रोजाना हम सुबह जब लोगों से मिलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट जैसे यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, उनके पेरेंट्स आते हैं, कई बार ग्रुप्स में आते हैं, और उनकी सबसे बड़ी प्रिया ये होती है कि फलाना स्कूल फलाना कॉलेज में हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम होने की वजह से फीस नहीं भर पाए या अभी एडमिशन नहीं ले पाए, डेट निकल के जा रही है, या हम दो साल हो गए हमें पढ़ते हुए अभी इस क्वार्टर की फीस नहीं दे पाए और हमारे ऊपर ये बातचीत हो रही है। ऐसे बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन मेरे पास में सीएम साहब के पास में लगातार आ रहे हैं और उनकी रिप्रेजेंटेशन पर जब हम कॉलेज को फोन करते हैं या कॉलेज से यहाँ बात करते हैं, यूनिवर्सिटी से बात करते हैं, तो उनका भी बड़ा टेक्निकल जवाब होता है, साहब फीस तो देनी पड़ेगी, कैसे करें, अगर फीस दे देंगे तो हम स्कूल कैसे कॉलेज कैसे चलाएंगे, इंस्टीट्यूट कैसे चलाएंगे। तो वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से साइंटिफिक रूप से वो सही है, टेक्निकल लॉजिक पे वो सही है। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन आज की ये जो दो स्कीम्स हम लॉन्च कर रहे हैं, जिनके लिए वेब पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, इनसे निकलता है कि दिल्ली में जिन लोगों के पास योग संयोग से जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जिन परिवारों की, उनके बच्चों के लिए हम उनके स्टूडेंट्स के लिए उनको हमारा स्टूडेंट जो अपनी हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, परिवार का देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सबके लिए हम एक स्कीम ये लेकर आए हैं कि स्कॉलरशिप स्कीम, मतलब आपकी पूरी फीस सरकार का एक ट्रस्ट है उससे दी जाएगी, ये उन लोगों के लिए जो ग्लो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं। ग्लो पॉवर्टी लाइन से ऊपर अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपए रखी है तो 50% फीस सरकार क्लियर करेगी। अगर आपकी इनकम, क्योंकि आमतौर पर जब भी जो भी सरकार की स्कीम बनती है वो या तो बीपीएल पर सीमित रह जाती है, बीपीएल 1.5 लाख रुपए का होता है हर राज्य में, या फिर कुछ और गारंटी और कंडीशन के साथ रखती है, इसलिए हमने इस स्कीम को आगे बढ़ाया। आज की तारीख में 2-4 लाख रुपए कोई आदमी 1 लाख मान लिया बीपीएल की लिमिट है और उसके यहाँ 1,10,000 रुपए की इनकम है तो वो भी आउट हो गया, उसके बच्चे को भी पूरी फीस अलग से देनी पड़ेगी। इसलिए हमने कहा कि 2.5 लाख रुपए तक की अगर आपके घर में इनकम है तो आपकी 50% फीस माफ कराएगी सरकार, आपके स्कॉलरशिप देगी, और अगर 6 लाख रुपए तक की इनकम है, ऐसे बहुत से परिवार हैं 2.5 लाख से ऊपर हो सकते हैं लेकिन 4-5 लाख रुपए की इनकम है इतने महंगे कॉलेज की पढ़ाई की फीस कैसे उठाएं, तो 6 लाख तक की अगर इनकम है तो उनके लिए भी हम 25% उनकी फीस का दिल्ली सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार के ट्रस्ट की ओर से दिया जाएगा। एक तो ये स्कीम है, इसके लिए आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, जितने यहाँ बैठे हैं आपके सारे इंस्टीट्यूट के बच्चे जितने लोग हैं अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा गारंटी स्कीम है, लोन गारंटी। सबसे बड़ी चीज आती है देश भर में दिल्ली के जो बच्चे स्कूलों से पढ़ के देश भर के किसी बड़े कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं, वहां की फीस कैसे भरें। बहुत स्कीमें आते हैं, डेढ़ लोग आते हैं, एडमिशन तो हो गया, इतने पैसे लगेंगे तो कहीं से मदद करवा दीजिए, और पेरेंट्स आके रोते हैं, कई बार बच्चे रो रहे होते हैं कैसे करें, लोन ऊपर इसलिए नहीं मिलता, बैंक में हमारे साथी बैठे हैं उनकी अपनी मजबूरियां हैं, लोन ऊपर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि गारंटी कैसे होगी, उनके पास गारंटी रखने के लिए कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ऐसी बनाई थी पिछले साल 2 साल पहले कि अगर आपके पास में अगर क्या अगर भी नहीं है इसमें कि अब दिल्ली के बच्चे जो कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, स्किल एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, उनकी गारंटी एक तरह से सरकार देगी कि हमारे बच्चे आप इनको लोन दीजिए, हम इनकी गारंटी दे रहे हैं। ये स्कीम है दिल्ली के बच्चों की गारंटी, दिल्ली के जो बच्चे हायर एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं, स्किल में पढ़ना चाहते हैं, उनकी गारंटी एक तरह से सरकार दे रही है। सरकार कह रही है कि आप चिंता मत करिए बैंक के साथियों, आप इनको लोन दीजिए, इनको पढ़ने के लिए हम गारंटी दे रहे हैं। ये स्कीम है, इसका वेब पोर्टल आज लॉन्च हो रहा है। ये दोनों स्कीम मुझे लगता है प्रशिक्षित राष्ट्र समर्थ राष्ट्र का सपना है, कि देश का बच्चा देश के बच्चे आगे पढ़ेंगे तभी तो देश समर्थ बनेगा, तभी देश मजबूत बनेगा, और उसकी दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के बाद ये वो वेब पोर्टल लॉन्च होने के बाद जो पहली स्कीम है स्कॉलरशिप की स्कीम, उस पर दिल्ली के कॉलेज में दिल्ली के जो भी यूनिवर्सिटीज हैं वहां पढ़ने वाले बच्चे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लोन की स्कीम है, उसके लिए दिल्ली का कोई भी बच्चा जो देश के किसी भी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में और दिल्ली के किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट में भी, दिल्ली के जो हमारे आईटी यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, जो भी कॉलेज हैं, दिल्ली के सभी कॉलेज में या
देश के किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा उसको ये स्कीम के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। उसमें उसकी कंप्यूटर कोर्सेज, उसमें कंप्यूटर्स, उसमें किताबें, उसमें और जो रेगुलर फीस है उसके अलावा जो खर्चे हैं वो शामिल किए गए हैं। इसी स्कीम का पहले वाली स्कीम जो स्कॉलरशिप है उसका एक और इंटीग्रेटेड पार्ट है जो मुख्यमंत्री जी के निर्देश से तैयार किया गया है वो इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है आपको बताना कि बहुत सारे बच्चे अलग अलग समय पे ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित होते हैं। 26 जनवरी को दिल्ली के बहुत सारे बच्चे हम सब देखते हैं, बच्चों से देखते हैं कि दिल्ली के देश के बच्चों को जिन्होंने किसी भी रूप में बहादुरी दिखाई, किसी भी रूप में जहां आम इंसान डर जाता है वहां जाकर उन्होंने अपने बहादुर होने का परिचय दिया, चाहे किसी की जान बचा लें, चाहे किसी खतरे को टाल लें। वहां स्कूल के बच्चों को हम सिर्फ एक बार 26 जनवरी पे हाथी पे बैठा के या जीप में बैठा के उनको अवार्ड देके उनको टीवी में दिखा के छोड़ देते थे, लेकिन उनके उस साहस को सलाम करने के लिए दिल्ली सरकार की स्कीम आ गई है कि ऐसे दिल्ली के ऐसे बच्चे जो ब्रेवरी अवार्ड उनको मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर का जो ये अवार्ड है वो मिलेगा, उनके बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा, हायर एजुकेशन का खर्चा सरकार इस स्कीम में उठा सकता है। उन सारे बच्चों की पूरी पूरी फीस सरकार उठाएगी जिनको ब्रेवरी अवार्ड मिलेगा, और उसके साथ साथ उनको सामान्य उनके कोई इतना वगैरह कोई खर्चा होता है तो 5,000 रुपए उसके एक साल में देगी, और अगर गरीब परिवार के बच्चे हैं तो 2,500 रुपए महीने की अलग से स्कॉलरशिप उनको मिलेगी। ये ऐसे बच्चों के लिए क्योंकि बहादुरी को सम्मान करना बहुत जरूरी है, आज के पढ़ना ऐसी बहादुरी का काम हो गया।